वेल्डिंग का कार्य करते हुए चंद्रकांत सिंह ने न सिर्फ अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिया बल्कि अपनी खेती को भी संवारा। आज चंद्रकांत सिंह की दोनों बगिया की खुशबू इलाके से लेकर देश और दुनिया में फैल रही है। इनका बेटा आईआईटी से इंजीनियरिंग कर दुनिया का एक प्रतिष्ठित कंपनी में 1 करोड़ के पैकेज पर कार्यरत है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। वहीं चंद्रकांत सिंह ने अपने 1 एकड़ जमीन पर पपीते की वैज्ञानिक खेती कर इलाके के जाने माने पपीता उत्पादक के तौर पर विख्यात हो गए हैं। पपीता की खेती में बहुत अच्छा अनुभव रहा और आय का भी अच्छा स्रोत रहा। शुरू शुरू में हम लोग को पता नहीं था कि कैसे किया जाता है, सब और किसी भी गण महाविद्यालय गए, वहाँ से पता लगा कि खगड़िया में ही KVK से संपर्क कीजिए। यहाँ आए, KVK गए, वहाँ के लोगों ने काफ़ी मदद की और उनके सहयोग से आज तक मेरा खेत सफल रहा है। इन्होंने अपने बेटे की प्रेरणा से पपीते की खेती करने को ठानी, लेकिन यह कार्य कम मुश्किलों से भरा हुआ नहीं था। गांव के कई लोगों ने पपीता की खेती में समय और मेहनत बर्बाद करने से मना किया, लेकिन अपने धुन के पक्के श्री सिंह किसी की बातों में कहां आने वाले थे। एक दिन वे कृषि विज्ञान केंद्र खगड़िया पहुंचे और अपनी मन की लालसा को जाहिर किया। कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी मार्गदर्शन से चंद्रकांत सिंह ने 1 एकड़ जमीन में पपीते की रेड लेडी ताइवान प्रजाति की फसल लगाई। लेकिन पपीते की खेती जोखिम भरा होता है, थोड़ी असावधानी हुई नहीं कि घाटा लगना तय होता है। पपीते की खेती को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे पपीते की जड़ में पानी नहीं जमने देना, उचित खाद एवं उर्वरक की सही मात्रा में प्रयोग, संभावित रोगों से बचाव के लिए समय समय पर उचित दवा का सही मात्रा में उपयोग करना आवश्यक है। चंद्रकांत सिंह ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बड़े ही सूझबूझ से पपीते की खेती को आगे बढ़ाना शुरू किया। पपीते की फसल लगाने के 10 से 12 महीने के बाद फल तोड़ने लायक हो गया। चंद्रकांत सिंह जी हैं, जिनको झूलन जी भी कहते हैं उनको, तो वो हमारे पास उनका जो उनकी जो पहल हुई तो उसके फल के फलस्वरूप जो है हम लोग ने पपीते की खेती को उनके खेत में अच्छे से करवाने का हम लोग ने प्रयास किया। और उसी का प्रयास है कि हम लोग ने जितना मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसको प्रॉपरली हम लोग ने इसको गाइड करवाया अपने वैज्ञानिकों से, और जितनी जो इसकी जो डिजीजेज हैं, रोग हैं, जैसे आपका रिंग स्पॉट वायरस है या मोज़ेक वायरस है या जड़ गलन है, तला गलन है, इसको हम लोग समय पूर्व समय रहते हुए ही हम लोग इसको आगे से ही उपचार करने का जो भी व्यवस्था है हम लोग ने करवाया। झूलन से जब हमारे पास आए कृषि विज्ञान केंद्र खगड़िया में, तो ये अपना पपीता की खेती करने की इच्छा जाहिर किए, तो हम इनको बोले कि देखिए ये रिस्की क्रॉप है, धान गेहूँ मक्का की तरह नहीं कर सकते हैं, इसमें काफ़ी आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। कि सर हम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर इनको हम हर चीज़ जो है विधिवत बताए और ये उसी हिसाब से खेत पर करते चले गए। वर्तमान समय में श्री सिंह द्वारा 1 एकड़ में 1.5 लाख की लागत से 11 महीने की खेती के उपरांत लगभग 7 लाख रुपये का फसल खेतों में तैयार है, जिसमें अभी तक लगभग 2.5 लाख रुपए का फल वे बेच चुके हैं। आय लगभग 2.5 लाख के आसपास हो चुका है, उम्मीद है कि 5 लाख के आसपास का फल और टूटेगा। देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और शौक और लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो लोग भी अपना कमाई करके जो है प्रोग्रेस करें, इसलिए हम काम कर रहे हैं। पपीता की खेती जोखिम भरा होने के बावजूद भी उन्होंने न केवल पपीता की खेती को सफलतापूर्वक किया बल्कि अन्य किसानों को नई राह भी दिखाई है। आज इलाके के किसान इनके पपीते की खेती को देखने और समझने आते हैं और चंद्रकांत सिंह उनकी भरपूर मदद भी कर रहे हैं।